गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब हम आपके लिए लेके आए हैं फिर 13.1 का एग्जांपल नंबर 4, जो कि बहुत अच्छा और शानदार एग्जांपल है। और इससे पहले मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको वो बेनिफिट मिल पाएगा जो आप लेना चाहते हो, और हमारे से जुड़े रहें। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी, कहता है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी सीए एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को क्रमशः एल एम एन पर स्पर्श करती है। तो यानी त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी और एबी बीसी और सीए एक 4 सेमी त्रिज्या वाले, एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को, वृत्त को कहाँ स्पर्श कर रही है, वृत्त को क्रमशः, वृत्त को क्रमशः एल एम व एल एम व एन पर स्पर्श करती है। क्या कर रही है, ये स्पर्श करती है, एल एम एन पर स्पर्श करती है। यदि ए एन का मान, यदि ए एन बराबर 6 सेंटीमीटर और सी एन का मान, सी एन का मान 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी की परिमिति ज्ञात करो। तो त्रिभुज ए बी सी की परिमिति ज्ञात करो, परिमिति ज्ञात करो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, परिमिति का मतलब परिमाप ही होता है। क्या होता है, परिमाप ही होता है। क्या होता है, परिमाप। तो सबसे पहले तो हम चित्र बनाएंगे। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हैं एबी बीसी सीए 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बना लो। ये लो एक वृत्त बनाया हमने, बना लिया वृत्त जिसका केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। अब इस ओ केंद्र वाले वृत्त को एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं स्पर्श करती है, यही तो कह रहा है। तो तीनों भुजाएं स्पर्श कर रही है, तो हमने पहले तो ये लिया एक भुजा तैयारी, उसके बाद में हमने एक भुजा ये ले ली, उसको ऐसे आगे बढ़ाओ, उसके बाद एक आप यहां से लेके आओ, एक यहां से लेके आओ, इसको भी आगे बढ़ाओ आप, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कहाँ कटेंगे आपस में, जहां भी कटेंगे वहां अपना क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। जहां ये आपस में कटेंगे वहां क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। उस त्रिभुज का नाम हम क्या दे देंगे, ए बी और सी दे देंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि ए बी सी, ए बी बी सी सी ए 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को क्रमशः एल एम एन पर स्पर्श करती है। तो इसका मतलब है कि हम एल एम एन कहाँ नाम देते हैं, वो भी हमारे लिए पॉइंट बहुत ध्यान रखने योग्य होता है। इसने कहा है क्रमशः, तो ए बी कहाँ स्पर्श करेगी, एल बिंदु पे। तो जहां ए बी भुजा आ रही है वहां क्या आएगा, स्पर्श बिंदु का नाम एल आएगा। उसके बाद में जो बीसी भुजा है जहां स्पर्श कर रही है उसको नाम हम क्या देंगे, एम देंगे। तो बीसी भुजा ये रही, इसको नाम क्या दोगे आप, एम। तो बचा हुआ नाम क्या आ जाएगा आपके पास में, एन आ जाएगा। बोलो डायग्राम बनाना समझ में आ गया।
अब इसके बाद मेरे को इसने कहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास में जो ये O को M से मिला रहे हो, ये वृत्त की क्या बन गई त्रिज्या, ये कितने सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर की। तो आप अगर आप इस O को M से मिलाते हो, ये भी तो त्रिज्या ही है, ये क्या है, त्रिज्या है। और जब आप L को इससे मिलाओगे, ये भी क्या हो गई, आपकी त्रिज्या हो गई। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि ओ एन, ओ एम और ओ एल तीनों ही वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। उसके बाद हमारे पास में आता है कि हमें तो ये सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज की परिमिति। अब परिमिति के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, इन तीनों भुजाओं का मान होना चाहिए। जब हमारे पास में इन तीनों भुजाओं का मान निकल जाएगा तो हम उसको जोड़ देंगे और जोड़ते हमारा ये परिमाप आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला नंबर काम मेरे को इसके अंदर क्या दिया है वो देखो आप। मेरे को इसके अंदर ए एन दिया है, तो मैं ए एन का मान कितना लिख दूंगा, 6 सेंटीमीटर लिख दूंगा। सी एन का मान दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। ये लोग, या मैंने सी एन, कहीं सी एन दिखाई दे रहा है क्या, ये रहा देखो सी एन लिखा हुआ है, यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख दूंगा मैं, सी एन 8 सेंटीमीटर हो गया। अब बाकी मान मेरे को कोई सभी नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने आपको एक नंबर वीडियो दिया था, फर्स्ट नंबर, जिसके अंदर प्रमेय करवाई थी, वो ही प्रमेय आज फिर यहाँ काम आ रही है। मैंने आपको एक बात कही थी, ये प्रमेय बहुत ही मोस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, ये प्रमेय आती है अन्यथा इस पे एग्जाम्पल बनते हैं तो यहाँ वो प्रमेय काम आएगी। तो मेरे को इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, दोनों का मान दे दिया, तब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी वृत्त को एल एम व एन पर स्पर्श करता है, ठीक है, क्या कर रहा है, स्पर्श करता है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें कि ये बाह्य बिंदु हो गया, ये स्पर्श रेखाएं आ गई, ये बाह्य बिंदु हो गया, ये स्पर्श रेखाएं आ गई, फिर ये बाह्य बिंदु हो गया, ये स्पर्श रेखाएं आ गई, आया समझ में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इन दोनों में से किसी एक को एक्स मान लूंगा, जैसे मान लो बी एल है, तो माना बी एल बराबर एक्स, कोई जरूरी नहीं है बी एल को मान, आप बी एम को भी मान सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक को मेरे को एक्स मानना है। अब हम लिखेंगे यहां पे ए एन का मान कितना दिया है, ए एन 6 सेंटीमीटर है, और सी एन का मान कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर है। मैं यहां पर उस प्रमेय का कथन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। तो यानी बाह्य बिंदु से जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो लंबाई में समान होती है। तो हम लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, लंबाई में, क्या होती है, लंबाई में समान होती है, क्या होती है, लंबाई में समान होती है, आया समझ में। तो इससे मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए एन जितना है उतना ही ए एल हो जाएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा, अतः ए एन किसके बराबर हो जाएगा, ए एल के। अब ए एन का मान कितना दिया है मेरे को, 6 दे दिया, तो ए एल भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो इसके अंदर किसी की प्रॉब्लम, तो ये भी कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकेंड नंबर बात, अब
बात आती है सीएन की, सीएन कितना दिया 8, तो ये भी तो स्पर्श रेखा है, सीएन 8 है तो सीएम भी कितना हो जाएगा 8, तो लिखो यहाँ पे सीएन बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो सीएन किसके बराबर हो गया, सीएम के हो गया, तो ये लिखो हमने सीएम को बराबर लिख दिया 8 सेंटीमीटर। अब बात आती है बीएल और बीएम की, जिसमें से बीएल को मैंने क्या माना है एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा एक्स हो जाएगा, ओके। तो इसके अंदर मेरे पास में क्या आ जाएगा BL बराबर BM बराबर X, ये आगे मेरे पास में इनके जो छोटे छोटे पार्ट हैं स्पर्श रेखाओं के उन पार्ट के मान आ गए। अब इनके मान आने के बाद इसको देखो ये 8 है तो ये भी कितना बनेगा 8 बनेगा, तो इससे हम इन भुजाओं को निकाल सकते हैं। ध्यान से देखें यहां से यहां तक का भाग मेरे को 6 दिया है, यहां से यहां तक का भाग मेरे को 8 दिया है, तो अगर मैं इस पूरे भाग को टोटल करता हूं तो मेरे पास में 14 सेंटीमीटर बनता है। इस भुजा का मान कितना आ गया मेरे पास में 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये पार्ट एक्स है ये पार्ट 8 है, तो यानी दोनों को अगर मिलाते हो तो एक्स प्लस 8 ये आपका इस भुजा का मान आ गया। नेक्स्ट यहां से यहां तक की दूरी x है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 6 है, तो दोनों को मिलाओगे तो आपके पास में इस भुजा का मान कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा इस भुजा का मान x प्लस 6, कितना आया x प्लस 6। तो आप ऐसे इनके मान लिख दो, तो आप लिख लो ए बी का मान मेरे पास में कितना आ गया ए बी x प्लस 6 कॉमा बी सी का मान कितना आ गया वो भी ध्यान से देखें x प्लस 8 और ए सी का मान कितना आया मेरे पास में 14, यानी एक भुजा तो परफेक्ट रूप से मेरे पास में आ गई है, कौन सी है ए सी। ऐसा ही अंकों में मान मेरे को ए बी और बी सी का निकालना है। अब AB और BC का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बार निकालूंगा, कितनी बार दो बार निकालूंगा, पहला नंबर यानी मैं हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो सबसे पहले नंबर बात कैपिटल A के सामने स्मॉल A होता है ना, तो मेरे पास में ये मान क्या बन जाएंगे स्मॉल A का मान क्या हो जाएगा x प्लस 8, x प्लस 8 और स्मॉल b का मान क्या हो जाएगा कैपिटल b के ठीक सामने स्मॉल b होता है, b का मान कितना आया मेरे पास में 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8 x प्लस और c का मान कैपिटल c इसके ठीक सामने वाला होगा तो कितना बन जाएगा x प्लस 6। ये a b c के मान आ गए हैं मेरे पास में, बोलो किसी के प्रॉब्लम। अब इसके बाद हीरोन के सूत्र द्वारा जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उससे पहले सबसे पहले हमें उस सूत्र को याद होना चाहिए, सूत्र के अंदर किस किस की जरूरत होती है उन मान को लियो। हीरोन के सूत्र के अंदर मेरे को ए बी सी के मान की जरूरत होती है, साथ में एस चाहिए, एस होता है अर्ध परिमाप, क्या होता है अर्ध परिमाप, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। अब ए प्लस बी प्लस सी बटा दो करूंगा तो मेरे पास में ए बी सी का मान कितना आएगा, है ना, ए बी सी का मान, ये ए बी सी का मान पड़ा है मेरे पास में, मैं ये मान रख दूंगा, तो मैंने रखा क्या रखा एक ही जगह कितना रखूं बोलो x प्लस 8, b की जगह कितना रखूं बोलो 14, c की जगह कितना रखूं बोलो x प्लस 6 और बट्टे में कितना रख दूं 2, ओके। अब उसके बाद 1 और 1 यानी एक x और एक x मिल करके कितने हो गए 2x, तो ये लिख दिया मैंने 2x प्लस 14 और 6 कितने हो गए 20, 20 और 8 कितने हुए 28, तो साथ में कितना आया 28,
बटे में कितना लिखूं, दो। यहां इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो कॉमन लेके काट दो या फिर इसका भाग प्रत्येक में दे दो। तो अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो मेरे पास में कॉमन कितना आता है, दो, तो मेरे पास में बच जाएगा x प्लस 14 बटे में कितना आएगा, दो। इस दो से दो कैंसिल और मेरे पास में s का मान कितना आया, x प्लस 14। अब मेरे पास में s का मान आ चुका है, a b c का मान आ चुका है, तो अब मैं हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से मैं क्या निकालूंगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या निकालूंगा, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, एस इंटू, क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब मैं ये मान जो भी हैं इसके अंदर रख दूंगा, ठीक है, तो ये मान रखूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, रूट ऑफ एस की जगह रखा जाएगा एक्स प्लस 14 ब्रैकेट, एस की जगह क्या रखोगे, एक्स प्लस 14 माइनस ए की जगह क्या रखोगे, एक्स प्लस 6। यहां माइनस होने के कारण ए के जो आ रहे हैं चिन्ह अंक, उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो एक्स प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और 6 भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार एस माइनस बी, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस b का मान क्या है मेरे पास में, 14, तो ये सीधा ही 14 आ जाएगा। उसके बाद फिर s माइनस सी, तो s माइनस सी रखूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x प्लस 14 माइनस क्या आ जाएगा, c का मान, तो c का मान x प्लस कितना है, 6 है, x प्लस कितना है, 6 है, तो यहां हमने x प्लस माइनस 8 किया ना, 8 आएगा तो यहां x प्लस 6 ना, तो यहां आ जाएगा माइनस का x और माइनस का ही 6, ठीक है। हमने a का मान रख दिया, s का मान रख दिया, b का मान रख दिया और c का मान रख दिया। अब इसके अंदर जो कटते हैं उनको काट दो, सरल कर लो, काटते समय ध्यान दो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार काटते हैं कि एग्जामिनर उस कॉपी को चेक करता है तो उसके समझ से बाहर हो जाता है कि इस बच्चे ने क्या काटा है, क्या नहीं काटा है, क्या रखा है। इसलिए आप ये काटा पीटी का काम या तो बिल्कुल हल्के हाथ से किया करो, अन्यथा आप रफ कॉपी के अंदर बैक साइड में कर लिया करो और सीधा डायरेक्ट आप आंसर लिख दिया करो, काटा पीटी ज्यादा मत किया करो। अब इसके अंदर ध्यान से देखें, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इस 14 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है वो उसको मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास में क्या बच गया, ध्यान से देखें, x प्लस 14 इंटू, देखो 14 में से 6 गए, 8 गए, सॉरी 14 में से 8 गए तो कितने बच गए, 6 इंटू, यहां 14 से 14 कट गया तो क्या बच गया, x इंटू, यहां 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 8, ओके। अब इसकी आप अंदर के अंदर गुणा कर लो, जब आप इसकी गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8 छिंग 48 x, तो ये आया आपके पास में 48 x इंटू x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास में हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ओके। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरीके से और निकालूंगा मैं, वो तरीका क्या है ध्यान से देखें, मैंने क्या किया, ए को ओ से मिलाया और बी को भी ओ से मिला दिया और
सी को भी ओ से मिला दिया। बोलो समझ में आया नहीं है? सी को किससे मिलाया? ओ से मिला। तो इस त्रिभुज के अंदर तीन त्रिभुज और बन गए। ध्यान से देखें, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी, ये तीन त्रिभुज बन गए। अगर मैं इन तीन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के और जोड़ता हूं तो ये उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा जो इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन वो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपस में बराबर होगा ना। इसलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं तो उसके लिए सूत्र कौन सा लगाऊंगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समस्या यहाँ पे आती है कि सर आधार तो हमें दिखाई दे रहा है, x प्लस 8 ले लेंगे, यहाँ x प्लस 6 ले लेंगे, यहाँ 14 ले लेंगे, लेकिन वो ऊंचाई कहाँ से लाएंगे? ऊंचाई आपके पास में है, हल्का सा ध्यान देने की जरूरत है। जो ये त्रिज्या आ रही है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर वो ऊंचाई बनेगी। क्या बनेगी? ऊंचाई बनेगी। अब कहते हैं सर वो क्यों बनेगी? इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। याद है आपको? मैंने एक दो दफे पहले भी आपको बताया था कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ऐसा कैसे? 14 नंबर एक्सरसाइज जब अपन करेंगे या आपने की है तो आपको पता है कि सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमने त्रिज्या को मिलाया था और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाया था? 90 डिग्री का कोण बनाया था। तो ये ऊंचाई आ गई और इस त्रिभुज की भी ये ऊंचाई बन जाएगी 4 सेंटीमीटर और इस त्रिभुज की भी ये ऊंचाई बन जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अब आप ध्यान से देखें, मैं एक बार हल्का सा यहाँ स्पेस बना करके लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने के कारण अपने को स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि इसको मिटाऊं नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि इसको मिटाऊं नहीं। ओके, तो आप थोड़ा समझ जाना, मैं यहाँ से स्टार्ट करते हुए उस तरफ जाऊंगा। अब पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस किस के बराबर हो जाएगा? तीन त्रिभुजों के योग के बराबर होगा। कौन कौन सा त्रिभुज है बेटा? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो आप लिखो यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। तो आप लिख दो यहाँ पे त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। समझ जाना बेटा, जगह कम होने के कारण मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्षेत्रफल। ठीक है, दोबारा ध्यान से देख लो, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इन तीनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास में क्या आ जाएगा? त्रिभुज AOB के अंदर आ जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। AOB के अंदर आधार कितना बन जाएगा? x प्लस 6, तो ये लिखा मैंने x प्लस 6 इंटू ऊंचाई कितनी रहेगी? 4 प्लस AOC के अंदर आधार कितना हो जाएगा? 14 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4। तो ये मैंने लिखा 1/2 इंटू आधार कितना लिखूं? 14 इंटू ऊंचाई कितनी लिखूं? 4 प्लस बी ओ सी का क्षेत्रफल, आधार कितना रहेगा? एक्स प्लस 8। ये आया मेरे पास में 1/2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू कितना लिखूं? 4। ये लो मैंने इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया।
सरल करो इसको, ये लो भैया सरल कर देते हैं, दो से कितनी बार गया, दो बार, दो से कितनी बार गया, दो बार, दो से कितनी बार गया, दो बार। काटो तो आराम से काटना और ज्यादा काटा पीटी मत करना, इसका भी ध्यान रखना। अब मेरे पास में क्या बचा, दो, मैं इस दो को इन दोनों से गुणा कर लूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2x+12 प्लस इसकी इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 28। ठीक है, ये लो प्लस इसकी इसमें गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x+16। ठीक है, आया समझ में। अब 2x और 2x मिलके कितने हो गए, 4x, ये लिखा मैंने यहाँ पे 4x प्लस 28 और 16 जोड़ो है ना, और 12, इन तीनों को जोड़ो। तो देखो ध्यान से, 28 और 12 को जोड़ा तो कितना आया, 28 30 40 और 40 में 16 जोड़ोगे कितना आएगा, 56, ये लिखा मैंने 56। ओके, इसमें से मेरे को 4 कॉमन ले लेना, कि ये लो भैया मैंने 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया एक्स प्लस कितना आएगा, 14 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से निकाल लिया, मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितनी बार निकाला है, 2 बार, और मैंने आपको अभी यही बात बताई थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप किसी भी तरीके से निकालो, त्रिभुज तो एक ही है, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अब हम इसके क्षेत्रफल को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। उसके लिए हल्का सा स्पेस और बढ़ा ही लेते हैं अपन, अगर वास्तव में जरूरत पड़ेगी तो क्या है कि फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसको हल्का सा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, हल्का सा अंदर की ओर ले लेते हैं। ये कितना था बेटा, 14 सेंटीमीटर, है ना, कितना था, 14 सेंटीमीटर। ये लो अपन इस स्पेस को ऐसे यूं बढ़ा लेते हैं, हल्का सा बढ़ जाएगा। अब मेरे पास में क्या आएगा, मैं इन दोनों क्षेत्रफलों को बराबर कर दूंगा, है ना, क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। जब मैं इन दोनों क्षेत्रफलों को बराबर करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, 4 × x + 14 क्या आएगा, 4 × x + 14, तो ये लिखा मैंने 4 × x + 14, 4 × x + 14 बराबर रूट ऑफ, क्या लिखूंगा मैं, 48x × x + 14 आया समझ में। मेरे कहने का मतलब है इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितनी बार निकाला, 2 बार निकाला है, कितनी बार निकाला है, 2 बार। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या करोगे, वर्ग करने पर, क्वेश्चन देखो बड़ा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वेश्चन बड़ा है, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आपके पास इधर आ जाएगा 16 × x + 14² और इधर आ जाएगा 48x × x + 14। इसमें जो कट रहा है उसको काट सकते हो, देखो ध्यान से, 16 से ये 48 कटता है और इस x+14 से 1x+14 कम हो जाएगी, तो मेरे पास में यहाँ क्या बच जाएगा, x+14 क्या बचेगा, x+14 बराबर, इसको इससे काटा तो ये कितनी बार कट गया बेटा, 16 × 48 तो ये मेरे पास में आ गया 3, क्या आ जाएगा, x + 14 से x+14 कट गया, है ना। अब मैं पक्षांतरण करूंगा तो लिख दो यहां पे, पक्षांतरण
करने पर, तो मैं क्या करूंगा, इस x को उस तरफ ले जाऊंगा या फिर इस 3x को इस तरफ ले आऊंगा और इस 14 को उधर ले जाऊंगा। तो जब मैं इस 3x को इस तरफ लाऊंगा तो मेरे पास में x माइनस 3x हो जाएगा और 14 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो ये दोनों घटेंगे तो मेरे पास माइनस के 2x आ जाएंगे, यहाँ माइनस का 14 रह जाएगा। तो ये माइनस का 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो माइनस का 14 बटे में माइनस का 2, इससे मेरे पास में x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आया, x का मान 7। अब x का मान 7 आ गया, जिसका मतलब मेरे पास में x का मान अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये भुजाएं भी आ जाएगी। तो मेरे पास में AB का मान कितना हो जाएगा, AB बराबर x प्लस कितना था, 6। AB कितना है, x प्लस 6। x प्लस कितना है, 6 है ना। और यहां ध्यान से देखें, AB x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 बराबर x की जगह 7 प्लस 6 बराबर 7 और 6 कितने हो गए बेटा आपके पास में, 13 सेंटीमीटर। ये निकल गया AB का मान। अब उसके बाद मेरे को किसका मान निकालना है, बोलो, BC का। BC का मान क्या निकल जाएगा, BC बराबर x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। और AC आपने निकाल रखा है पहले ही, तो आप लिख दो AC बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब मेरे को ये अभी तक ABBC और AC के मान निकले, लेकिन मेरे को पूछा क्या है, मेरे को ये पूछा गया है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप बताइए। उसके लिए त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, उसी को हम परिमाप कहते हैं और उसी को हम परिमिति कहते हैं। तो अब आप लिख दो लास्ट के अंदर, तो त्रिभुज लिखो, अतः है, अतः त्रिभुज ए बी सी की परिमिति बराबर कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब बताओ ए बी का मान आपने कितना निकाला, 13, ये लो 13। प्लस बी सी का मान आपने कितना निकाल लिया, 15, और एसी का कितना है, 14। इन तीनों का जब आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा, 4 और 5 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 का 2 आंसर कितनी रह गई, 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना आया, 4। यानी मेरे पास में इसका परिमाप कितना आया, 42 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, क्यों, क्योंकि वर्ग हमेशा क्षेत्रफल में आता है, किसमें आता है, क्षेत्रफल में आता है। तभी मैंने यहाँ लिखा है, देखो ध्यान से, ये क्षेत्रफल निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे को परिमिति पूछी गई है, परिमिति यानी त्रिभुज की भुजाओं का योग, जो कि स्क्वायर में कभी नहीं आता है। और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मेरे को वापस मैसेज कर दें, मैं इसी क्वेश्चन को आपको दोबारा भी समझा दूंगा। ध्यान रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।